75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत राजधानी शिमला के युवक मंडल महली और स्वयं सहायता समूह के तत्वाधान में महली के जंगल में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें युवक मंडल महली के सदस्य, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, महिला मंडल, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। यहाँ पे जी लोगों की डिमांड पर देयार मोरू और बान और क्या बोलते बेड़े वगैरह इस तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे लग गए होंगे जी, अभी तक 250 पौधे लग गया होगा दो दिन में। ये यहाँ की महिला मंडल, जो यहाँ के महिला मंडल युवक मंडल है, और इनके सहयोग से ये जो सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि इनकी बड़ी अच्छी इन्होंने मध्यस्थता की है कि हमने और भी प्लांट्स लगाने। अभी भी जैसे बात कर रहे थे कि सरकार हमारे को अगर प्लांट्स दें तो हम तो कम से कम 3-4 हज़ार प्लांट लगाने की सोच रहे हैं इस पंचायत में, क्योंकि बड़ा जरूरी है। हाँ, ये यहाँ के जो युवक मंडल है और यहाँ के महिला मंडल है, स्वयं सेवी संस्था है, ये इन्होंने बोला कि हम जो है खुद इसकी हम दीदी के देख रेख करेंगे। और जैसे अभी मौसम का बड़ा अच्छा है कि अभी बरसात लंबी चलेगी और इस बार ये पौधे जो है कामयाब भी हो जाएंगे। मेरा नाम तरुण वर्मा है और मैं युवा मंडल महली का उपप्रधान हूँ इस संस्था का जी। ये जो आज पौधारोपण का जो समारोह हमारा जो पॉसिबल हो पाया, वो हमारे प्रधान के और पंचायत के जो प्रधान जी है श्री सुरेंद्र गर्ग जी, और उप प्रधान है जो हमारे टीकचंद वर्मा जी, इनके सौजन्य से हो पाया है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रही है वो हमारे प्रधान जी हैं जो अनिल वर्मा जी, इनकी जो रही है काफ़ी ज़्यादा रही है जी। सर, उद्देश्य बेसिकली जी, आप सभी जो आजकल ग्लोबलाइजेशन का जो ज़माना है, इसमें क्लाइमेटिक चेंज का भी बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ रहा है हमारी पर्यावरण पे जी। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हर साल इस तरह के जो हम कार्यक्रम करते रहते हैं, हमारे बुजुर्गों से ये प्रथा चलती है जी, तो उन्हीं से हमारे संस्कार है जो हम ये करते रहते हैं। यहाँ पे ये जो है सरकारी लैंड है, हमारे जंगल है, यहाँ पे हमारे जो जानवर है वो चरने भी आते हैं। तो आजकल जो पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है उत्पाद भी मचा रहे हैं, यहाँ पे खाली जगह देख के आते हैं, यहाँ पे कोई आग लगा देता है, शराब पीते रहते हैं। तो इसी तरह की जो एक्टिविटी है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो है पौधारोपण कर रहे हैं। मेरा नाम आरके वर्मा है और आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हम हमारे युवा मंडल और महिला मंडल और पंचायत के प्रतिनिधि जो इसमें शरीक हुए हैं, तो ये जो मुहिम है सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है, प्राइवेट और दूसरी संस्थाओं द्वारा भी चलाई जा रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं स्वयं सहायता समूह से हूँ। हम लोग इधर पौधारोपण करने के लिए आए हैं। बान के है, देवदार के है और मोरू के है, बेउंस के हैं। एक जी युवा मंडल वाले हैं और हम लोग मतलब सब आते जी जंगल को, पशु भी चारते हैं, तो उस वजह से हम इसकी देख रेख करेंगे जी। इधर आज कम से कम 200-250 प्लांट लगाई गई जी आज तो। मेरा नाम पार्वती है और मैं धात्री शक्ति ग्राम संगठन महली की सदस्य हूँ, और मेरे समूह का नाम है माँ पार्वती स्वयं सहायता समूह और मैं उसकी सचिव हूँ। और हम आज सारी महिलाएं जो है यहाँ पे पौधारोपण करने के लिए आए हैं। हमने यहाँ अनेक प्रकार के पौधे लगाए हैं, जैसे देवदार है और बान है, मोरू है, भैंस है, इत्यादि के पौधे लगाए हैं हमने यहाँ पे। और हम आगे इसकी देखभाल भी करेंगे, जैसे हमने लगाए हैं वैसे ही हम इसकी देखभाल भी करते रहेंगे आगे। मेरा नाम नीरू वर्मा है और मैं यहाँ की स्थायी निवासी रहने वाली हूँ। और हमारा जो ग्रुप है वो ओम तारा माता ग्रुप है और एक तारा माता ग्रुप है, हम सब उसी की सदस्य हैं। और आज यहाँ हम पौधारोपण करने आए हैं। हमने यहाँ पे कई से पौधे लगाए हैं, जैसे कि देवदार हो गए और चील के हो गए, बान के हो गए और वगैरह कई तरह के पौधे लगाए हैं, हमने पौधारोपण किया है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी देखभाल भी करें, और हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लगाने का ही काम किया है, क्योंकि ये हम यहाँ के रहने वाले हैं तो हमें कोई इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, कोई बाहर से तो इसकी देखभाल करने आएगा नहीं। तो हमने यही सोच के हम यहाँ पे आज इतनी लेट से इकट्ठा हुई है कि हम अगर हमने पौधारोपण किया है तो हम इसकी देखभाल भी करेंगे। मेरा नाम हर्षी वर्मा है, मैं यही कराने वाला हूँ। और आज हमने पौधे लगाने में मदद की है, हमने बान के, देवदार के, ब्यूल के पौधे लगाए हैं।